बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज जून में हम अपने चैप्टर वादे की पाबंदी की रीडिंग करेंगे। वादे की पाबंदी का चैप्टर आपकी रीडिंग बुक के पेज नंबर 75 पे मौजूद है। सबसे पहले हम वादे की पाबंदी की रीडिंग करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके मफहूम के बारे में। वादे की पाबंदी से मुराद वादे को पूरा करना है और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है, यानी जो उस पर ज़िम्मेदारी आयद है उसको अच्छे तरीके से निभाना। वादे की किस्में सूरत रअद में इरशाद है, जो अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं और अपने इकरार को नहीं तोड़ते, यानी जो बात उन्होंने की उसको नहीं तोड़ते, और जो अल्लाह ने जिन ताल्लुकात के जोड़ने का हुक्म दिया है उनको जोड़े रखते हैं। नंबर वन, यानी कि वादे की इकसाम में से जो पहली किस्म है, इस आयत में पहले उस फितरी अहद का जिक्र है, उस वादे का जिक्र है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान इस दुनिया में आने से पहले हुआ। नेक्स्ट पेज, के इंसान अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेगा। जिन्होंने इस वादे को पूरा किया वो मुसलमान कहलाए और इस वादे की खिलाफ वर्जी करने वाले काफिर हैं। अब दूसरी किस्म वादे की, एक वो अहद है जो बंदे अल्लाह को हाजिर और नाजिर, यानी अल्लाह ताला को अपने सामने, कि वो इस बात को रखते हुए कि अल्लाह तबारक ताला इनके वो अल्लाह ताला के सामने मौजूद हैं, और नाजिर यानी अल्लाह तबारक ताला इनको देख रहा है, इसको बात को समझते हुए हाजिर और नाजिर बतला कर आप इसमें करते हैं। नंबर तीन पे जो अहद है, इसके बाद उस अहद का जिक्र है जो ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के दरमियान कायम है। वादे की पाबंदी कुरान मजीद की रोशनी में, इसमें हम पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में वादे की पाबंदी के बारे में किस किस सूरत में किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाकर हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत कुरान मजीद में बार बार फरमाया है सूरत आल इमरान में, बेशक अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, यानी अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता सूरतुल ज़मर में है, अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता सूरतुल हज में है, और अल्लाह हरगिस ना टालेगा अपना वादा, यानी अल्लाह ने जो वादा किया है उसको अल्लाह ताला हरगिस नहीं टालेगा सूरत तौबा में इरशाद है, और अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को पूरा करने वाला कौन है। यह है वादे की पाबंदी के चैप्टर की हाफ रीडिंग। कल इंशाल्लाह हम इसकी बकिया रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।